नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। मैं हूं पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं मनी गुरु। अक्सर ये बोला जाता है कि जब आप निवेश चालू कर रहे हैं या शुरुआत कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड में पैसा डाल दीजिए कम जोखिम के लिए, और फंड मैनेजर इस बात का ख्याल रखेंगे कि आपके निवेश को कुछ ना हो। लेकिन ये बातें कितनी सही हैं? क्या पूरी तरह से जो भी आपने निवेश किया है वो सुरक्षित है? निवेश करने के पहले आपको कुछ बातों का ध्यान भी रखना चाहिए। कई बार ऐसा भी होता है कि म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त हम कुछ गलतियां कर देते हैं जिसका कि हमें पता नहीं होता, ठीक से ऑफर डॉक्यूमेंट नहीं पढ़ते, इस तरह की हम काफी सारी गलतियां कर लेते हैं। तो म्यूचुअल फंड में निवेश करते समय, SIP शुरू करते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसी पर आज हम खास चर्चा करेंगे। और हमारे साथ पंकज मतपाल जुड़े हैं, जाने माने सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर, आज हमारे साथ जुड़े हैं इस चर्चा में शामिल होने के लिए। पंकज जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और शुरुआत करेंगे, इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि म्यूचुअल फंड में जब हम निवेश की शुरुआत करते हैं कि तो क्या क्या गलतियां अक्सर हम कर बैठते हैं, तो इन सभी बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहली गलती तो हम ये करते हैं कि डिविडेंड को लेकर हम काफी बार गलती कर देते हैं। डिविडेंड ऑप्शन लेने से पहले आपको सतर्कता बरतनी चाहिए। लॉन्ग टर्म के लिए हम अक्सर सोचते हैं कि डिविडेंड ऑप्शन बेहतर होगा, लेकिन उस समय सतर्कता बरतनी चाहिए। ढेर सारे फंड्स हम ले लेते हैं एक ही पोर्टफोलियो में, ये भी एक गलती हम काफी बार करते हैं। एक ही पोर्टफोलियो में ढेर सारे डाइवर्सिफिकेशन के चक्कर में इस तरह के गलती कर बैठते हैं। लक्ष्य को ध्यान में रखकर ही निवेश करें, बिना लक्ष्य के, बिना गोल कर आप निवेश अपना निवेश की शुरुआत ना करें। इसके अलावा समय समय पर पोर्टफोलियो की समीक्षा भी करते रहे, ये भी काफी जरूरी है। अक्सर हम ये देखते हैं कि पोर्टफोलियो की समीक्षा हम प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो उसका भी काफी जरूरी है, उसका रिव्यू करना। इसके अलावा फंड के पिछले प्रदर्शन पर निर्भर ना रहे। काफी लोग जब SIP शुरू करते हैं तो उसका पिछला परफॉर्मेंस देखकर निवेश करते हैं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। आगे के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स को देखते हुए भी अपना निवेश करना चाहिए। फंड या सेक्टर जहां पर भी आप निवेश कर रहे हैं उसकी पूरी पूरी जानकारी होना काफी जरूरी है। प्रस्ताव दस्तावेज, अक्सर ये बोला जाता है कि ऑफर डॉक्यूमेंट को ठीक तरीके से पढ़े, उसमें काफी सारे हिडन क्लॉज होते हैं जिसका कि हमें अंदाजा नहीं होता, वो पढ़ना यहाँ पर काफी जरूरी है। और कम NAV के पीछे ना भागे, ये इसकी भी अक्सर निवेशक गलतियां करते हैं। कम NAV में पैसे लगा देते हैं ये सोचते हुए कि आगे चलकर इसमें बढ़त होगी, लेकिन इसमें भी प्रॉपर रिसर्च के साथ पैसा लगाना बहुत जरूरी है। इसको चर्चा को हम और आगे बढ़ाते हैं। पंकज, ये कुछ 8 गलतियों की हमने बात की जो अक्सर निवेशक करते हैं। इसमें सबसे पहले तो डिविडेंड ऑप्शन, इसके पीछे भी काफी सारे निवेशक भागते हैं। अक्सर जो लॉन्ग टर्म निवेशक हैं उनके लिए, उनके बिहेवियर में ये चीज देखी गई है। उनको आप क्या सजेस्ट करेंगे, डिविडेंड ऑप्शन लेने से पहले क्या क्या सतर्कता बरतनी चाहिए? देखिए, आपके पास 2 ऑप्शन है। अगर आपको पैसा चाहिए बीच में, आप सोचते हैं बीच बीच में कुछ पैसा मिलता रहे, तो डिविडेंड ऑप्शन आप चूज करते हैं, लेकिन वो पैसा आप ही का है। अगर आपने किसी गोल को, किसी लक्ष्य को ध्यान में रखकर निवेश किया है, तो अगर आपका पैसा बढ़ता रहेगा तभी आप लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। अगर बीच बीच में आपका पैसा वापस आता रहेगा तो अंत में उतनी वृद्धि नहीं होगी आपके फंड में। तो इसके लिए जरूरी है कि आप, अगर आपके एक लक्ष्य को लेकर चल रहे हैं, तो आप ग्रोथ ऑप्शन में रहें, ना कि डिविडेंड में। ऐसा नहीं है कि डिविडेंड आ रहा है, कई बार निवेशकों को लगता है कि डिविडेंड मिलेगा तो मुझे फायदा ज्यादा हो रहा है, ऐसा नहीं है। आपकी NAV अगर बढ़ रही है तो उसमें अगर आपको डिविडेंड मिलता है तो NAV नीचे आ जाएगी, अगर ग्रोथ ऑप्शन है तो वो बढ़ती रहेगी। इसके लिए आप ही का पैसा वापस आ रहा है, इससे अच्छा होगा अगर आप लंबी अवधि के निवेशक हैं तो उस टाइम आप हमेशा ग्रोथ ऑप्शन में रहें ताकि पैसा आपका बढ़े। ओके, और दूसरी गलती जो अक्सर, ये डिविडेंड ऑप्शन के बारे में तो काफी आपने इम्पोर्टेंट पॉइंट बताए, दूसरी गलती अक्सर ये करते हैं कि जो जिसकी कम NAV होती है उसके पीछे भी निवेशक भागते हैं, जस्ट बिकॉज उनको ये लगता है कि आगे चलकर इसको जो NAV है, जो प्राइस है, उसमें बढ़त होगी। NAV सेलेक्ट करते वक्त किसी, जब रिसर्च हम कर रहे हैं तो NAV को चूज करते वक्त किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए सर? देखिए, वैल्यू इंपॉर्टेंट होती है, कॉस्ट नहीं। कोई चीज सस्ती है इसका मतलब ऐसा नहीं है कि वो अच्छी है। अगर कोई पुराना फंड है, काफी टाइम से मार्केट में है, तो ऑब्वियस है उसकी NAV काफी ज्यादा होगी। लेकिन अगर कोई नया फंड है उसकी NAV कम होगी। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप नए फंड में जाएं, या किसी फंड का प्रदर्शन अगर पास्ट में अच्छा नहीं रहा है जिसकी वजह से उसकी NAV नीचे है, तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि उस फंड में आप निवेश कर रहे हैं। आप ये सोचिए कि आप जब निवेश कर रहे हैं, चाहे वो 10 रुपए हो या 100 रुपए NAV हो, अगर आपकी ग्रोथ 20% से होती है तो वो तो 20% ही होगी ना, 10 का 12 होगा,
और 100 का 120 होगा, तो आपको ये देखना है कि वो फंड में कितनी काबिलियत है अच्छा प्रदर्शन करने की, कौन फंड मैनेजर है, कहाँ निवेशित है, कहाँ निवेश किया गया है उस फंड का, किस तरह का फंड है, उन बातों को ध्यान में रखिए, ना कि इसके। अगर आप दो लार्ज कैप फंड कंपेयर कर रहे हैं और एक लार्ज कैप फंड का एनएवी कम है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वहां पे प्रॉफिट ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि जहां स्टॉक में निवेश किया है उन स्टॉक्स के रिटर्न्स कैसे आएंगे उस पर निर्भर करता है कि आपको कितना मुनाफा होगा। इसके लिए इस बात पर ध्यान मत दीजिए कि एनएवी कितनी हो, एनएवी अगर 400 रुपए भी है किसी फंड की और उस फंड का प्रदर्शन पास्ट में अच्छा रहा है और अभी उसका पोर्टफोलियो अच्छा है, फंड मैनेजर अच्छा मैनेज कर रहा है उस फंड को, तो डेफिनेटली वो फंड बेहतर है इसके मुकाबले कि किसी फंड की एनएवी काफी कम है। आजकल भी लोग काफी कंपेयर कर रहे हैं ऐसे फंड में जिनकी लास्ट वन ईयर में प्रदर्शन अच्छा रहा है, ये भूल जाते हैं कि जब मार्केट गिरा था 2008 में उस वक्त वो फंड कितने गिरे थे। तो आप सिर्फ इस बात को मत देखिए कि एनएवी कितनी है, बहुत सारी और बातों का ध्यान रखना होता है। आप पीछे क्या हुआ उससे ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि आगे के लिए वो फंड कितना अच्छा है। ओके सर, निवेशक अक्सर एक गलती ये भी करते हैं कि जब फंड सिलेक्ट करने लगते हैं कोई स्पेसिफिक, तो उसका पास्ट परफॉर्मेंस देखते हैं या तो शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस देखेंगे और उसके बाद कोई फंड सिलेक्शन करेंगे। इस पर आपका क्या टेक होगा, दर्शकों को क्या राय देंगे, क्योंकि ऐसे में जरूरी नहीं है कि जो फंड पिछले एक साल में चल रहा है, क्योंकि उस समय हो सकता है कि पिछले साल का ही अगर 2017 का ही हम परफॉर्मेंस अगर देख लें, मिड कैप और स्मॉल कैप स्टॉक्स ने काफी अच्छा प्रदर्शन किया और उससे रिलेटेड जितने भी फंड थे उन्होंने भी काफी शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जरूरी नहीं है कि 2018 में भी ये तमाम सेक्टर अच्छा प्रदर्शन करें। तो ऐसे में आप क्या राय देंगे दर्शकों को? बिल्कुल सही बोला पूजा आपने। देखिए, ऐसा जरूरी नहीं है कि जिस फंड की परफॉर्मेंस पहले अच्छी रही है उसकी अच्छी ही होगी, लेकिन एक थोड़ा सा ये आइडिया मिलता है कि जिसमें कंसिस्टेंसी है, जो फंड लंबे समय से है बाजार में और जिसने हर तरह का टाइम देखा है, जब मार्केट में बुल रन है या बेयर फेस था, हर गिरावट में और अच्छे प्रदर्शन में फंड ने परफॉर्म किया, तो कॉन्फिडेंस आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ पास्ट परफॉर्मेंस देखकर उसमें निवेश करें। दूसरी बात यह है कि डिफरेंट टाइप्स के फंड होते हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, सेक्टर फंड। यहां पर जब कंपेयर करते हैं तो सेम कैटेगरी के फंड को आप कंपेयर कीजिए। कई बार निवेशक क्या करते हैं, लार्ज कैप फंड को कंपेयर करते हैं स्मॉल कैप के साथ में। अब स्मॉल कैप एक डिफरेंट टाइप का फंड है जहां पर आपका निवेश बहुत छोटी छोटी कंपनियों में किया गया है। छोटी कंपनी में बड़े होने के चांस भी अच्छे होते हैं, लेकिन रिस्क काफी ज्यादा होता है, क्योंकि छोटी कंपनी के बारे में ज्यादा रिसर्च नहीं अवेलेबल होती है। वहां पर छोटी कंपनी ऐसा भी होता है कि कभी डीलिस्ट भी हो जाती है। तो इसके लिए आप जब कंपेयर कर रहे हैं, पहले देखें कि सेम कैटेगरी से कंपेयर करें। दूसरी बात एक बहुत महत्वपूर्ण है, जब कोई डिस्ट्रीब्यूटर आपसे बात करता है, म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर, कई बार ये होता है वो बोलता है कि ये फंड का प्रदर्शन काफी अच्छा रहा है, इसका 25% रिटर्न है लास्ट वन ईयर में। देखिए, 25% होना या 5% होना आपको कोई भी जानकारी नहीं देगा, इससे कुछ आइडिया नहीं लगेगा, जब तक आप ये देखें कि उसका बेंचमार्क क्या है। किसी भी फंड का एक बेंचमार्क होता है, वो निफ्टी 50 हो या बीएससी 200 है। आप ये देखें जो बेंचमार्क है उसका रिटर्न कितना है। अगर पिछले एक साल में बेंचमार्क ने 25% रिटर्न दिया है और आपकी स्कीम ने 20% रिटर्न दिया है, तो फंड अच्छा नहीं है। लेकिन अगर उस बेंचमार्क ने 10% दिया है और आपके फंड ने 15% दिया है, तो भी अच्छा है। तो सिर्फ 15 और 20 नहीं, बेंचमार्क के कंपैरिजन में कितना ज्यादा दिया है, जिसको हम अल्फा भी बोलते हैं। तो फंड ने कितना अल्फा जनरेट किया है वो इंपॉर्टेंट है, उससे मालूम चलता है कि फंड मैनेजर ने कितनी वाइजली स्टॉक्स का सिलेक्शन किया है। तो सिर्फ ये बात पर ध्यान ना दे कि वो 15% है कि 25% है, वो अपनी कैटेगरी में कितना अच्छा प्रदर्शन कर रहा है उस कैटेगरी के बाकी फंड के मुकाबले में, और उसके बेंचमार्क के मुकाबले वो ज्यादा रिटर्न दे रहा है कि नहीं दे रहा है। तो जो फंड अपने बेंचमार्क को बीट कर रहा है, उससे अच्छा प्रदर्शन कर रहा है, वो फंड आपके लिए अच्छा है। बिल्कुल, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने कहे। फंड मैनेजर का भी ध्यान रखिए कि कौन उसको मैनेज कर रहा है, और पास्ट रिटर्न को इतना ज्यादा तवज्जो मत दीजिए, आने वाले उसके ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स को भी यहाँ पर समझना काफी जरूरी होता है। तो प्रॉपर रिसर्च के साथ अपनी तरफ से भी रिसर्च करिए और तब आप कोई SIP या किसी म्यूचुअल फंड में आप निवेश करिए। एक और चीज है, ऑफर डॉक्यूमेंट। हम अक्सर ये सुनते भी हैं कि निवेश करने से पहले ऑफर डॉक्यूमेंट जो है वो काफी सावधानी से पढ़े। पंकज, ऐसे कौन कौन से हिडन क्लॉज होते हैं या कौन कौन से क्लॉज
क्लॉज होते हैं ऑफर डॉक्यूमेंट में जिनको कि पढ़ना काफी जरूरी होता है निवेशकों के लिए, जो कि अक्सर हम अवॉइड कर देते हैं। देखिए, ऑफर डॉक्यूमेंट में आपको ज्यादा जानकारी मिलती है स्कीम के बारे में कि वो स्कीम कहां पर निवेश करेगी, क्या उसका ऑब्जेक्टिव है, वो इक्विटी में कितना कर सकती है, डेट में कितना कर सकती है, कौन उसको मैनेज करेगा, एग्जिट लोड क्या है, इस तरह की जानकारी होती है। सबसे पहले इम्पोर्टेंट है कि निवेशक को पता होना चाहिए कि वो कर क्या रहा है। कई बार और अक्सर आजकल देख रहे हैं कि पिछले एक दो साल में क्योंकि प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है तो लोग सब बातें भूल जाते हैं, सिर्फ रिटर्न देखते हैं, और जहां पर लक्ष्य सिर्फ एक या दो साल का होता है वहां पर भी ज्यादा रिस्क वाले म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं, जो कि गलत है। आपको अपने लक्ष्य के हिसाब से तय करना चाहिए। तो ऑफर डॉक्यूमेंट में ये बात मालूम हो जाती है आपको जो फंड के बारे में कि वो किस तरह से इस फंड को मैनेज करेंगे, क्या स्ट्रेटेजी होगी उसके लिए, लार्ज कैप में कितना होगा, मिड कैप में कितना होगा, डेट में कितना निवेश हो सकता है, ये सब बातों की जानकारी मिलती है। तो जरूर आप ऑफर डॉक्यूमेंट शायद पूरी तरह समझना एक आम निवेशक के लिए पॉसिबल ना भी हो, बट उसकी जो मेन चीजें हैं कुछ कि उसमें एग्जिट लोड कब तक लगेगा और उसके अंदर किस तरह का वो निवेश होगा, किस तरह के फंड्स में, किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करेंगे, वो बात जरूर जाननी चाहिए। और उससे भी आसान बात यह है कि इस तरह के जो कार्यक्रम है अगर वहां पर भी आप सवाल पूछकर निवेश करें। अक्सर ये होता है कि लोग निवेश करने के बाद सवाल पूछते हैं, अगर आप सवाल पूछकर और उसके बाद निवेश करें तो काफी हद तक आपकी जो ये जो चाहिए आपको, जो आप हासिल करना चाहते हैं, वो इस प्रोग्राम के माध्यम से आपको जानकारी हासिल हो जाती है। बिल्कुल पंकज, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला आपने। अगर आप निवेश शुरू करना चाह रहे हैं और कोई भी सवाल है तो आप मनी गुरु के जरिए अपने सवालों का हल निकाल सकते हैं, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। और हमारे पास कुछ दर्शकों के सवाल भी आए हैं, उनको भी हम शामिल कर लेते हैं। हंसराज कटारा का हमें सवाल है और ये सरकारी कर्मचारी है, सालाना 6 लाख की आय है, 60 साल में 1 करोड़ का पोर्टफोलियो ये बनाना चाह रहे हैं और अभी फिलहाल जो इनका निवेश है वो ऑलरेडी SIP और इंश्योरेंस स्कीम के जरिए मासिक 9,000 का निवेश ऑलरेडी कर रहे हैं। और पंकज जी, आपकी राय जानना चाह रहे हैं कि और कितने का निवेश इनको करना चाहिए जिससे कि अगले 60 सालों में इनके पास करीब 1 करोड़ का कॉर्पस क्रिएट हो जाए। बेसिकली मेरे ख्याल से ये रिटायरमेंट प्लानिंग कर रहे हैं अपने लिए, आप इनको क्या सजेस्ट करेंगे? फंड्स के नाम इन्होंने शायद मेंशन नहीं किए हैं, क्या सजेशन होगा आपका? देखिए, पहली बात तो ये है कि ज्यादा निवेश अगर रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं और लंबा समय हो आपके पास तो एलोकेशन आपका ज्यादा इक्विटी में होना चाहिए क्योंकि इक्विटी में पोटेंशियल है आपको अच्छे रिटर्न दिलाने का। लेकिन आपने जो निवेश किया है वहां पर ज्यादा आपने इंश्योरेंस पॉलिसीज और इस तरह के, खैर EPF कॉन्ट्रीब्यूशन तो एक मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन है, लेकिन उसके अलावा जो आप इंश्योरेंस पॉलिसी में कर रहे हैं वहां पर ज्यादा स्कोप नहीं होता है ऐसे रिटर्न पाने का। इंश्योरेंस का सिर्फ ऑब्जेक्टिव है कि अगर कुछ भगवान ना करे कुछ हो जाए जो घर में कमाने वाला व्यक्ति है तो घर के दूसरे सदस्यों को कोई समस्या ना आए, इसके लिए टर्म इंश्योरेंस एक अच्छा विकल्प है। यहां पर मैं आपको सलाह दूंगा कि आप म्यूचुअल फंड में निवेश कीजिए SIP के जरिए। आपका निवेश अभी बहुत कम है, उसको बढ़ाने की जरूरत है। कम से कम आप 5,000 रुपया महीना तो स्टार्ट कीजिए, बाद में उसको और बढ़ाते जाइए। और अच्छे फंड्स कुछ आप लार्ज कैप, मिड कैप, मल्टी कैप, हर तरह के फंड रखिए। लार्ज कैप में जैसे ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड है, ये एक अच्छा फोकस्ड फंड है लार्ज कैप कैटेगरी में, इसमें कर सकते हैं। मिड कैप में आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड, ये फंड एक अच्छा फंड है। SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, इस फंड को भी आपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। तो अगर लंबी अवधि के निवेशक हैं तो आप इक्विटी फंड में ज्यादा एलोकेशन कीजिए। और बाकी आप इंश्योरेंस की बात करते हैं तो सिर्फ टर्म इंश्योरेंस लीजिए। ये जो पॉलिसी मनी बैग और जीवन सरल जैसी पॉलिसी है ये आपके शायद जो लक्ष्य है उसके लिए सुटेबल नहीं है। ओके, तो कुछ फंड्स भी आपको सजेस्ट कर दिए गए हंसराज। यहाँ पर ICICI प्रूडेंशियल ब्लू चिप, ICICI प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला और SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड, ये कुछ फंड्स आपको सजेस्ट किए गए हैं, आप वहां पर निवेश कर सकते हैं। और इसके अलावा जो भी आप दोनों प्लान आपको सजेस्ट किया, LIC जीवन सरल में निवेश से कोई खास फायदा नहीं होगा आपको, इसकी जगह आप ICICI प्रू आई प्रोटेक्ट स्मार्ट भी ले सकते हैं। क्रिटिकल इलनेस राइडर जरूर शामिल करें इसमें। अगला सवाल हमें गोपाल जी का आया है, डॉक्टर गोपाल का, और इनका सवाल है कि आपातकाल से निपटने के लिए कितना फंड इनको निवेश करना चाहिए और रकम म्यूचुअल फंड में रखें या बैंक के खाते में जोड़े। काफी इंटरेस्टिंग सवाल है पंकज, और काफी लोगों के दिमाग में भी इस तरह के सवाल आते होंगे, आपकी क्या राय होगी इनको?
बिल्कुल पूजा, और अच्छी बात यह है कि पहले जो लिक्विड फंड था यहाँ पर इसमें कॉर्पोरेट निवेश करते थे, बट अब रिटेल इन्वेस्टर्स भी यहाँ पर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी स्कीम है बेसिकली। सी, जब आप कंटिंजेंसी की बात करते हैं तो लिक्विडिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि किसी भी वक्त अगर पैसे की जरूरत पड़े तो आप वहां से पैसा निकाल सके। तो सेविंग बैंक तो एक माध्यम है ही जहां पर आप कभी भी एटीएम के जरिए पैसे निकाल सकते हैं, लेकिन क्योंकि वहां पर रिटर्न्स बहुत लिमिटेड होते हैं, लगभग 4% मोस्ट ऑफ बैंक आपको इंटरेस्ट देते हैं उसके ऊपर, तो आप एक महीने के खर्च के बराबर वहां पैसा रखिए, बट उसके अलावा जो पैसे हैं वो आप लिक्विड फंड या फिर शॉर्ट टर्म फंड्स में निवेश कर सकते हैं। तो हम यूजुअली बोलते हैं कि 3 से 6 महीने का जो आपका खर्च है उतना आपका कंटिंजेंसी प्लानिंग में होना चाहिए। तो लिक्विड फंड में जैसे आईसीआईसी प्रूडेंशियल मनी मैनेजर फंड है, ये एक अच्छा लिक्विड फंड है, यहाँ पर आप निवेश कर सकते हैं। इस तरह से आपका जो शॉर्ट टर्म फंड होते हैं यहाँ पर निवेश करें। लिक्विड फंड में एक अच्छी बात ये भी है कि कभी आपको जब रिडीम करना हो तो अभी सेबी ने एक अलाउ कर दिया है कि 50,000 तक की रकम आप किसी भी वक्त इंस्टेंटली रिडीम कर सकते हैं, मतलब इमीडिएटली जब रिडीम करेंगे आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा वापस। तो एक तो ये फायदा है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा है, और दूसरी बात यहां पर अदरवाइज ऑल्सो अगर ज्यादा रकम भी है तो जिस दिन आप ट्रांजेक्शन करते हैं उसके नेक्स्ट डे आपके अकाउंट में पैसे आ जाते हैं। तो इस हिसाब से आप लिक्विड फंड में पैसा रखिए, और थोड़ा सा आप शॉर्ट टर्म फंड जो होते हैं शॉर्ट टर्म डेट फंड, उन फंड में भी आप निवेश कर सकते हैं। तो एक महीने के खर्च के बराबर सेविंग बैंक में आप कम से कम जो बाकी का बचा 60% अराउंड आप अपने शॉर्ट टर्म में कर सकते हैं, और 40% अराउंड जो है वो आप लिक्विड फंड में पार्क करें। तो इस तरह से आप अपने कंटिंजेंसी फंड को भी डिफरेंट जगह पर निवेश करें। ओके, तो ये आपको सजेशन दे दिया गया है गोपाल जी। इमरजेंसी फंड बनाने के लिए आप किस किस तरीके से फंड्स अपने एलोकेट कर सकते हैं, इस पर आपको राय दे दी गई है। अगला सवाल हम ले लेते हैं, पटना से गौरव ने हमें भेजा है, और ये सरकारी कर्मचारी हैं, सालाना आय 3.5 लाख है और नए निवेशक हैं। हर महीने 3,000 की निवेश का निवेश ये कर रहे हैं SBI ब्लू चिप लार्ज कैप में और SBI मैग्नम में। इन्होंने दो फंड्स भी अपने लिए सेलेक्ट किए हैं, एक SBI ब्लू चिप लार्ज कैप और SBI मैग्नम। पंकज जी, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, क्या ये दो फंड्स सही हैं जिनसे ये निवेश इनको शुरू करना चाहिए, और निवेश 3 साल के लिए करें या 5 साल के लिए, ये इनका सवाल है। देखिए, अगर आप अभी स्टार्ट कर रहे हैं, ऑलरेडी इक्विटी में हम काफी पीक पर हैं, आपका लक्ष्य लंबा ही होना चाहिए। नए निवेशक हैं आप, बिल्कुल 5 साल के हिसाब से कीजिए अगर आपका लक्ष्य 5 साल का है। और सबसे अच्छी बात ये होती है म्यूचुअल फंड में अगर SIP कभी आपको रोकनी भी पड़े तो वो बहुत डिफिकल्ट नहीं है। सिंपल एक एप्लीकेशन दे दीजिए, अगले महीने से आपके अकाउंट से पैसे डेबिट होने, पैसे कटने बंद हो जाएंगे। तो अगर आप लक्ष्य लंबा रखिए, किसी वजह से अगर आप नहीं चला पाते हैं तो बीच में बंद कर सकते हैं। जो पैसा आपका निवेश हो गया है वहां भी आपके पास चॉइस होती है कि आपको रिडीम करना है या आप वो जो मुस्त जो रकम जमा हो गई है उसको आप आगे ऐसे ही रखना चाहते हैं। तो आप लक्ष्य लंबा रखिए। जो दो फंड की आपने बात की है, SBI ब्लू चिप फंड ये एक अच्छा लार्ज कैप फंड है, बिल्कुल निवेश कीजिए। और साथ में जो SBI मैग्नम, ये SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड की आप शायद बात कर रहे हैं, तो SBI मैग्नम मल्टी कैप फंड भी एक डाइवर्सिफाइड मल्टी कैप फंड है जो लार्ज कैप और मिड कैप दोनों तरह के स्टॉक्स में निवेश करता है। तो दोनों ही फंड बहुत अच्छे आपने सिलेक्ट किए हैं, आप इनमें बिल्कुल निवेश कीजिए, लेकिन अपना जो नजरिया है वो लंबा रखिए, डिसिप्लिन मेंटेन कीजिए। और एक राय आपको और है, अगर आप 5 साल की बात कर रहे हैं, आप भले ही शुरुआत 3,000 से कर रहे हैं, लेकिन हर साल बिकॉज आपकी इनकम भी बढ़ेगी समय के साथ में, आप उसी हिसाब से अपने SIP की राशि को भी बढ़ाते जाइए ताकि आपका गोल आसानी से अचीव हो सके। बिल्कुल गौरव, ये सलाह आपको दे दी गई है, 3 साल के बजाय 5 साल के लिए निवेश करिए। दोनों फंड सिलेक्शंस आपके बहुत अच्छे हैं, और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़े आप अपने जो SIP का अमाउंट है वो भी उसको भी बढ़ाने की राय होगी। एक और सवाल ले लेते हैं, हमें त्रिवेंद्र जी का आया है और ये आर्मी में है, इनकी उम्र 22 साल है, 20,000 प्रतिमा फंड में और 5,000 बैंक में ये जमा कर रहे हैं और SIP लेना चाह रहे हैं। 12 साल के बच्चे के भविष्य के लिए हर महीने 10,000 का निवेश ये करना चाह रहे हैं। तो पंकज जी, आपकी राय जानना चाह रहे हैं, कहाँ पर निवेश करें, अपने बेसिकली जो इनका बेटा है उनके लिए ये निवेश शुरू करना चाह रहे हैं, आपकी क्या राय होगी? देखिए, अगर 12 साल का बच्चा है तो अगर आप एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हायर एजुकेशन की, तो लगभग 18 साल की जब उम्र होगी बच्चे की उसके बाद ही आपको पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो करीब 6 साल का वक्त तो आपके पास है जहां आप अच्छे से निवेश कर सकते हैं। यहां पर डेफिनेटली इक्विटी फंड में ही आपको निवेश करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान रखें कि लार्ज कैप मल्टी कैप
मिड कैप सभी तरह के फंड हो और उसमें आप डिवाइड कीजिए। बहुत ज्यादा फंड पोर्टफोलियो में बिल्कुल नहीं होने चाहिए, क्योंकि म्यूचुअल फंड अपने आप में एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है और उसमें अगर आप बहुत सारे फंड सिलेक्ट करते हैं तो वो फिर ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है। तो अपने पास 3 से 4 फंड, अगर 20,000 की बात कर रहे हैं तो 4 फंड मेरे हिसाब से बहुत है आपके पास में। उसमें से आप 2 मल्टी कैप, 1 लार्ज कैप और 1 मिड कैप फंड रखिए। लार्ज कैप में आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड एक अच्छा लार्ज कैप फंड है। मिड कैप, मल्टी कैप मैंने पहले भी आपको नाम बताए हैं, वही फंड आपके लिए आप चूज कर सकते हैं, यहाँ पर निवेश कीजिए। और सबसे जरूरी बात यह है कि अगर आपका लक्ष्य से 6 साल का है, 5 साल आप इक्विटी में निवेशित रहिए, लेकिन लास्ट 1 ईयर में अपना निवेश ज्यादा आप डेट की तरफ रखिए, क्योंकि इक्विटी में वोलेटिलिटी होती है, उतार चढ़ाव रहता है। जब लक्ष्य के काफी करीब पहुंच जाएं तो अपने इक्विटी के पोर्टफोलियो को आप डेट में स्विच करें, ताकि आपका जो पैसा इकट्ठा हो गया, जो बढ़ गया है, उसमें गिरने की गुंजाइश कम रहे। तो इस तरह से आप, अगर फंड के नाम की बात करूं अगेन, आईसीआईसी प्रूडेंशियल फोकस ब्लू चिप फंड, आदित्य बिरला सन लाइफ प्योर वैल्यू फंड, ये एक मिड कैप फंड है, एसबीआई मैग्नम मल्टी कैप फंड ये एक अच्छा फंड है, इस तरह के फंड को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कीजिए। बिल्कुल, तो त्रिवेंद्र जी ये कुछ फंड्स भी आपको सुझा दिए गए हैं, आप इससे अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। पंकज जी बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, और क्या क्या गलतियां अवॉइड करनी चाहिए म्यूचुअल फंड में निवेश शुरू करने से पहले ये बताने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। हमारे दर्शकों को डिटेल में आपने आज समझाया। तो ये सेगमेंट था आज खास 8 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ, जो कि हम अक्सर म्यूचुअल फंड में निवेश करते वक्त जब हम शुरुआत करते हैं तो अक्सर हम ये गलतियां करते हैं, तो ये गलतियां आप ना करें। फिलहाल इस सेगमेंट में इतना ही, लेकिन आप कहीं मत जाइए, बने रहिए जी बिजनेस के साथ। नमस्कार।